हेलो हेलो हेलो, सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डेली शायर व्लॉग। स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक बार डेली शायर व्लॉग में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई आप कहाँ चले गए, रियाद में है या हटके है? तो भाई मैं रियाद में ही हूँ, हमारे एक खास दोस्त से मुलाकात करने के लिए आया हूँ और वो सफ़र करके यहाँ पर आए हैं, तो मिलते हैं उनसे। और ये होटल उन्हीं के लिए बुकिंग किया हुआ है और वो भाई साहब मौजूद है इधर। तो ये है बेडरूम, माशाल्लाह देख रहे हो, एक बार अच्छे से बताता हूँ, देखना। जस्ट अभी अभी पहुंचे हैं भाई इस होटल में, माशाल्लाह। तो अभी बात करते हैं हम। ये है बाहर का नज़ारा, यहाँ पर किचन विचन है। और दिस इज आवर ब्रदर फ़ज़ल फ़रदान, सलाम अलैकुम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वेलकम बैक टू रियाद ब्रदर। थैंक यू भाई, मगर आफ्टर लॉन्ग टाइम। आफ्टर लॉन्ग टाइम, बट यू बिफोर यू गो मक्का विद रियाद स्ट्रीट। हाँ भाई, हम दमाम में रहते लास्ट वीक, 2 हफ्ते पहले जिद्दा गए थे, तो रियाद से टच होके हाँ, सॉरी, रियाद से जाना माय अपोलॉजी, पड़ता। माय मिस्टेक। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ का मिसिंग है, टीवी नहीं है। सो दिस इज हॉल। तो अभी डिनर करना है, देखो होटल से डिनर लेके आए हैं, तो बताते हैं डिनर में क्या है। उसके बाद हम रजा भाई से कुछ सवालात करेंगे। और ये भाई लो, अभी से छाट आ जा रहा है इनको। तो भाई साहब ये लोग कैसे कैसे कामा कर रहे, थोड़ा इनसे ही पूछ लेंगे। अब क्या कौन हो से गया कामा? वो इस कामा भाई, भिजाने बुलाने वाले। हाउ देखो भाई, कोरोना के बाद लोगों बोले भाई इंडिया जाना है, अरेंज करा है फ्लाइट। पूरे बिल्कुल सऊदी अरेबिया में चार्टर फ्लाइट पहले जो अरेंज करे हम लोग की टीम थी, यानी मैं अकेला नहीं था। हमारे जो जान पहचान कॉन्टेक्ट में जो कॉरपोरेट कंपनी से उनके जरिए से हम लोग मिलजुल के काम करके लोगों को यहां से इंडिया भेजे। इंडिया भेज दिए। अब वापस बुलाने का भी काम इनका ही छे भाई। वापस बुला ले रहे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे एजेंट्स हैं, ठीक है, उन लोग भी काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। मैं अपना नाम नहीं लूंगा खाली कि हम कर रहे बोल के, सब जने कर रहे, बिकॉज ये तो काम है हम लोग का। और एक सवाल कर दूं मैं आपसे। खैर पहले खाना खाओ तुम, भूख लग रही जर्नी साहब, ठीक है, जर्नी करके खाना आए खाए हुआ दबा के देता हूँ। इंशाल्लाह। ओके चलो, तो खाने में क्या नहीं है खाना डिनर? भैया नहीं होता, मटन अंगारा और बिरयानी ले लेके आए जो हम लगा, और खाली दे बशीर चूर चूर करने का है जो। ये आ जा आ जा आ जा आ जा, हैदराबादी डायलॉग है ये, बोलते थे ना भाई दे हैदराबादी बशीर चूर चूर, चूर चूर के। जब भी भूख लगती नहीं जो मिला बिस्मिल्लाह बोल के शुरू हो जाना देखो। और खाते की जबड़े कैसा करते। ओ आ जा बैठ जा बैठ जा। तो खाने में देखो भाई यहाँ पर है क्या है, इसको बोलते मटन अंगारा, खाते तो अंगारा, मुंह में से अंगारा निकलते खाली। मटन अंगारा, मुमकिन मिर्ची ज्यादा रहती इसमें। ये हमारे जो सुल्तान भाई है नहीं, शालीमार हाँ होटल में ये करते थे खाना भाई, हाँ उन्होंने बनाया, वन ऑफ द सेलिब्रिटी है माशाल्लाह से, टिकटॉक पे हाँ जी। हमारे को बोल रहे थे सेलिब्रिटी कहते। पर होटल में जाके खड़े हुए थे, सुल्तान भाई आगे आते की तारीफ पे तारीफ धड़ा धड़ कर दे रहे। ये देखो दो सेलिब्रिटी आ गए हमारे पास भाई। सुल्तान भाई की एक अच्छे खासे सेलिब्रिटी हैं, सारी बताते लोगों को, टिकटॉक के स्टार है, और कोई भी चले गया ना आखिरी चिरा। और दीवाना मैं दीवाना, टिक टिक टिक। आओ भाई भूख लग रही, क्या क्या की निकल चलो रहा चलो है। बिस्मिल्लाह। आ जाओ आ जाओ। तो ये है भाई अंगारा, और ये अंगारा है विद नान, नान, बटर नान, सलाद, सलाद बिरयानी है, बाद में देंगे हम। बिरयानी है। पानी कहाँ है शेख? भैया नीचे नीचे नीचे, ये लो पानी, नीचे भूल को आए, भागना पड़ता अब नीचे। क्या है ये? पानी देखो नीचे भूल गया है, वहां पर नीचे जाना आप। ये है यहाँ की लिफ्ट, आ रही है लिफ्ट, देख सकते हैं आप। आ बाबा अभी एक ही नंबर पे है। हाँ लिफ्ट के जरिए नीचे जा रहे हैं, 2 नंबर पे। पानी भूल गए, गड़बड़ गड़बड़ में ऊपर आने की वजह से जो है पानी भूल गए नीचे।
अभी डिनर करने के बाद आपसे बात करेंगे, थोड़ा बहुत सवाल करेंगे फरजान भाई से, इंशाल्लाह बने रहो, पूरा वीडियो देखो। तो भाई पानी लेकर के आ गया हूँ मैं अभी अंदर, तो माशाल्लाह अभी डिनर करेंगे, डिनर करने के बाद आपसे। ये हम हैं, ये मैं हूँ, ये शायर हुए हैं और यहाँ पर डिनर पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, पार्टी। तो भाई अभी हमारा हो गया है डिनर, तकरीबन रात के टाइम हो रहा है, रात के 2:30 बज रहे हैं अभी, यानी फजर का टाइम है। और मेरे को अभी जाना पड़ेगा क्योंकि भाई साहब आराम करने वाले हैं, तो उन्होंने सोने जाने से पहले उनसे एक 4-5 सवाल कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। तो चलिए हम सवाल करते हैं रजा भाई से, देखते हैं क्या जवाब देते हैं हमारे भाई साहब। सवाल यही करना है फ्लाइटों के बारे में। क्या भाई नींद आ रही? खाना हो गया ना, अब नींद होना, नींद होना। अब मैं 4-5 सवाल आगे जवाब दे दे के जाओ, ठीक है भाई? जी सर। हाँ तो सवाल ये है, अब जो लोग सऊदी अरब से इंडिया जा रहे छुट्टी पे, तो क्या वो लोग आ सकते सऊदी से जो इंडिया जा रहे अब के टाइम पे? हाँ वो कैसे आते मालूम? हाँ सऊदी अरेबिया में 2 डोजेस जो ले लेके गए, हाँ वो लोग इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट में वापस आ सकते। हाँ। अच्छे से सुन लो, मेरे चैनल पे भी बहुत सारे लोग मुझे भी व्हाट्सएप करके यही पूछते कि भाई एक डोज सऊदी में लिए, हाँ। एक डोज इंडिया में लिए, तो क्या डायरेक्ट आ सकते? तो नहीं आ सकते। जो लोग सऊदी अरेबिया में 2 डोजेस लिए ना कंप्लीट, तो वो लोग आ सकते। वो कैसा मालूम होना बोले तो सेहाती ऐप या फिर तवक्कलना पे आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट आता, उसके अंदर लिखे हुआ रहता। अगर बाहर लिए डोजेस तो आउटसाइड किंगडम बोल के आता लिख के, ठीक है? तो ये है, ये लोग आ सकते हैं। अच्छा, यानी कि जो सऊदी से 2 डोज लेकर के जा रहे, हाँ उन लोग आ सकते हैं, आ सकते हैं डायरेक्ट फ्लाइट में आ सकते हैं। आप तुम ना बोलेंगे अब वाया हो कि यहाँ से वहाँ से कनेक्शन फ्लाइट से, नहीं आ सकते। एक मुहिम का वेबसाइट आता, वहाँ पर रजिस्टर्ड करना है, फिर GDP नंबर आता, उसमें एक रेफरेंस नंबर जैसा एड सुविधा है ना, वैसा आने के लिए यहाँ पर एक मुहिम पे रिक्वेस्ट डालना पड़ता है, रजिस्टर्ड करना पड़ता, वो GDP नंबर आपको एयरलाइंस में सेंड करना पड़ता। जब तक GDP नहीं आता आपको चढ़ने भी नहीं थे प्लेन में। ओफो, तो यानी थोड़ा टफ है ये काम। इजी है, इजी है, आपको वेबसाइट दे देते जो भी टिकट ले रहे, वेबसाइट दे दिए बाद आपको बस असामा नंबर, ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ मार देना है, ओपन हुआ था पूरा डिटेल आया थी, उसके बाद आपको फ्लाइट डिटेल्स आना है, कहाँ से कहाँ आने का, जो उसका GDP नंबर है, 2 स्टेप है खाली। अच्छा अच्छा, तो ये है। और एक बात, जो सिंगल वैक्सीन यहाँ पर लगाए सऊदी में, सेकेंड वैक्सीन इंडिया में लगाए, उनका क्या है मसला? बोला ना मैं भी, उन लोगों को भी वाया हो के 16 दिन दूसरी कंट्री में रह के आना पड़ता, जरूरी है। हाँ अब और एक नए के साथ क्या है मालूम, अब लोग क्या है? एक ले लिए यहाँ पर वैक्सीन, एक बार उनको कोरोना हो गया सऊदी में, रिकवर भी हो गए, उनका तवक्कलना इम्यून बता रहा, मगर वो डोजेस में काउंट नहीं होता वो। अच्छा, तो उनको भी डबल डोज लेना है, जिसको कोरोना पॉजिटिव होके रिकवर हो गए सऊदी में, उनका भी 2 डोजेस लेना पड़ता, जरूरी है समझो, मैंडेटरी। चलो माशाल्लाह। तो भाई लोग जो भी फ्लाइट के बाद, अच्छा फ्लाइट कब चालू होते कुछ अंदाजा? हाँ मेरे को मालूम रहता तो और क्या था, किसको भी नहीं मालूम। अच्छा वीजे कब निकलते सो अंदाजा? भाई ये साल वैसे घस लेते चलो जी। हाँ सीधी सीधी बात है, यानी कि समझो जब तक बकवास, सीधी बात, जब तक फ्लाइट नहीं चालू होते वीजे भी थोड़े थोड़े वीजे हो रहे, स्टैंप हो रहे, स्टैंप हो रहे, जो पहले नए वीजे भाई, नए वीजे स्टैंप हो रहे, तो नए वीजे स्टैंप हो रहे कहते, लेकिन आने के लिए बड़ा इधर उधर से आना पड़ता। नए वीजे वालों का मसला ये है, 16 दिन दूसरी कंट्री में रहना, और सऊदी में आके पहले 7 दिन था, मगर 23 या 25 सितंबर से सऊदी गवर्नमेंट ने 5 दिन कर दिया है, तो नए वीजे वाले सऊदी आने के बाद भी 5 दिन रहना पड़ता आफ्टर 23 सितंबर, उससे पहले जो भी आ रहे 7 दिन और विद PCR नेगेटिव, वो भी 72 घंटे के अंदर अंदर, 72 आवर्स, हाँ 72 घंटे के अंदर अंदर का PCR का रिपोर्ट, तो नॉर्मल कॉमन है वो, तो सबको पता है, मालूम ही है, एक्सपीरियंस हो गया। अब देखो ये टाइम में कोई भी कंट्री जाओ, आप कोई भी कंट्री चले जाओ PCR कंपल्सरी, बेटर अभी दुबई से आ जाओ, 1,10,000 उसमें आ जा रहे, अगर उमान बहरीन ये बोल के बड़े शौखा करने का ना रखना पड़ता ज्यादा, मालदीव बोल रहे आजकल, वाह 2 लाख, 1,80,000, 1,70,000 ऐसा जा रहा, घूमने को आता तो, भाई जाके मालदीव आता भाई, 2 साल बैठे हुए इंडिया में, ये वो चीजा सोना ये गिरवी रख के ये कहां कहां तक करके आ रहे बेचारे, अल्लाह सबको तरक्की दे भाई।
आमीन। बस थोड़ा संभल के रहो और देख समझ के पैसा अपना वेस्ट करो। और क्या है मालूम, अब हम लोग का भी काम ये चला भाई, तो हम लोग पैकेजेस डाल रहे ना 1,10,000 का ऐसा दुबई का डाल रहे। अब लोग मेरे को स्क्रीन शॉट भेज रहे भाई, नो 90 में दे रहे, नो लाख में दे रहे, नो 1,05,000 में। तो भाई डिपेंड रहता होटल कौन सी दे रहे, सर्विस कैसी है, क्यों हमारे ऑफिस का प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है, जो बोले वो देके हम अपना नाम खराब नहीं कर सकते ना। सही, चलो इतनी बात तो जानकारी मिल गई इतनी बात की माशाल्लाह। तो भाई साहब दम्माम से है, अब इनको रेस्ट करने के लिए चांस देना पड़ता क्योंकि सुबह उठते कि इनको भी जाना है और मेरे को भी जाना है ड्यूटी। अच्छा फरदान भाई, और एक सवाल था कि कुछ जो यूट्यूबर्स है अपने, तो वो लोग आप बोल रहे भाई हमारे चैनल को प्रमोट कर दो प्रमोट कर दो, तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस पे? भाई अर्नब गोस्वामी की सर के लिस्ट आने लेके आ गए नहीं, प्रमोशन का ऐसा नहीं है, वी आर रेडी टू सपोर्ट एनीवन, चाहे कोई भी रहने दो, कोई भी कंट्री का रहने दो, मगर आप भी मेहनत करना पड़ता उसके पीछे। आप चैनल बना दिए प्रमोट करो बोल के नहीं रहता। पहली चीज आप अपने चैनल पे कॉन्टेंट अच्छा डालिए, वीडियो क्लैरिटी अच्छी रखिए, ठीक है, थंबनेल अच्छा बनाइए और स्टोरी अच्छी बनाइए, वीडियो जो भी डाल रहे हैं आप उसका टाइटल अच्छा लिखिए। और रही बात प्रमोशन की, भाई रियाद में बैठे हुए हैं, अपन दम्माम में है, हमारे जावेद भाई दिल्ली में है, यानी तो उनके दूसरा और एक है नेटिव प्लेस बिहार, तो पंजाब, मिलो मिलके कोलैबोरेशन करो, ठीक है, कोलैबोरेशन आपकी वीडियो में इन्हों आते, इनकी वीडियो में आप आते, तो इससे क्या होता मैम, दोनों को फायदा होता, आपके सब्सक्राइबर्स क्या है जिससे आप कोलैबोरेट कर रहे हैं उनके पास जाते हैं, उनके सब्सक्राइबर्स आपको आते हैं, इसको बोलते रियल कोलैबोरेशन लाइक प्रमोशन बोल सकते आप। अब अगर बोलेंगे आप मैसेज करके भाई प्रमोट करो बोल, तो प्रमोट कर देंगे, उससे फायदा होने वाला है नहीं, क्यों, पब्लिक आपका काम देखी नहीं तो आपको कहीं को सब्सक्राइब करेंगे बोलो। तो चैनल जो है प्रमोट करना है कि कोई बड़ी बात नहीं रहती भाई, नहीं देखो अपन में जब स्टार्ट करे, अल्हम्दुलिल्लाह भाई का चैनल भी बड़ा है, जावेद भाई का भी बड़ा है, जब मैं बोलता हूँ भाई प्रमोट करो बोलते तो उन लोग क्या बोलते थे मालूम, आओ प्रमोट नहीं करते, आओ आओ वीडियो बनाओ साथ में, और सही बात है वो, बाद में समझ में आई वो सही बात है, जब अपन पर्सनल एक्सपीरियंस लेंगे ना इनके वीडियो में जाके, इनकी पब्लिक से इंटरेक्ट होंगे अपन, तो जब अपने को मालूम होता है कि क्या टाइटल पब्लिक चाह रही और क्या चीज के वीडियो सुनना चाह रहे, तो उन लोग जब पसंद आएगा वो ऑटोमेटिक आपका चैनल इंगेज होना शुरू हो जाता। तो भाई साहब दम्माम से आए हैं, पर दम्माम से अब तक तकरीबन 4 मरतबा मिला है तुम्हारे से, 4 मरतबा भाई से मिला था, फिर एक बार जावेद भाई से मुलाकात करवाया था लेके जाके, रीनो 2 बार उनकी जाके जावेद भाई से मिले, 2 या 3 बार ऐसा रहता, आके खुद मुलाकात करना उसके बाद साथ में वीडियोस बना के प्रमोट करे तो वो अलग बात है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग है ना, हाँ, एक दूसरे कम्युनिटी में डाले तो कोई भी केयर नहीं करते वहां पर जाके। नहीं देखो अगर आप एग्जांपल एक कुछ कंपनी खोले, आप कंपनी का प्रोडक्ट माशाल्लाह तो बहुत अच्छा होगा भाई, नो डाउट, वो आपको मालूम, हाँ, मगर पब्लिक को कैसा मालूम होना, जब आप उनके बीच में जाके आप उनको प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे सेल करेंगे तो तब मालूम होता है। ये वीडियोस यूट्यूब के भी ऐसी है, जब अपना काम अपनी पब्लिक को बताएंगे जाके आप बीच में, तो तब पब्लिक आपको जानती, आप दूसरों से प्रमोशन करा के फायदा नहीं है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो है अल्हम्दुलिल्लाह भाई से मुलाकात हुई, बात हुए, डिस्कशन हुआ, फ्लाइट के बारे में जानकारी मिली और क्या है क्या नहीं बहुत कुछ बातें हुए, आप वीडियो देखे होंगे। तो अभी मेरा टाइम हो गया है घर को जाने का, अभी मैं जा रहा हूँ मेरे रूम पे, तो वहाँ जाने के बाद आपसे मुलाकात होगी, बने रहो। होटल से बाहर निकलते हुए, ये होटल यहाँ पर है, पीछे देख रहे हैं आप ANB, इसके पीछे साइड में उधर लुलू है, लुलू मार्केट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं, वेलकम बैक। रात में मैं आने के बाद मैं बहुत जल्दी सो गया था, सोया सुबह उठ के जो है जल्दी ड्यूटी गया, उसके बाद रूम पे आया, आने के बाद फिर एक दोस्त आए थे यानी कि सब्सक्राइबर थे अपने, गनी भाई नाम है उनका, तो उनसे मुलाकात हुई, थोड़ा घर पे बात हुई, उसके बाद मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो को एंड करना ज़रूरी होता है। तो फरदान भाई से बहुत सारी बातें हुई क्योंकि चार्टर फ्लाइट वगैरह का जो है बहुत बड़े समझो चार्टर फ्लाइट वगैरह 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 ये सब के काम करते रहते रजा भाई, वो टिकट बुकिंग करना, लोगों को भिजाना, और वो एक अलग काम भी करते एक फाउंडेशन में, तो खैर उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे भाई से परमिशन लेकर के। तो इंशाल्लाह
वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना। दमाम से आए थे भाई, कुछ पर्सनल काम की वजह से तो मैं गया था उनसे मुलाकात करने के वास्ते। जब भी आती है मेरे पास टाइम रहा तो मैं जाके मुलाकात कर लेता हूँ। तो माशाल्लाह डिनर विनर हुआ भाई के साथ में, उसके बाद मैं घर को आने तक 3 बज गए थे तो आके सो गया था। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर करना, कमेंट भी करना, और कुछ सवाल है तो आप कर सकते हैं मेरे चैनल पे भी, और रज़ा भाई का भी चैनल है उस पे भी जाके कर सकते हैं। मैं उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप सब्सक्राइब कर लेना जा करके, क्योंकि फ़्लाइट्स वगैरह के बारे में भाई जो है बहुत बोलते रहते हैं कि अगर कोई फ़्लाइट भी है तो वहाँ से मालूम हो जाता है, यानी इंडिया से सऊदी आने के लिए या सऊदी से इंडिया जाने के लिए भी, तो यही उनका काम है भाई का, वो टिकट बुकिंग करना वगैरह वगैरह। दमाम में रहते, ठीक है ना, दमाम में खतीफ़ में मुमकिन रहते, और काम कहाँ करते नहीं मालूम, अब उनके ऑफिस कहाँ है मेरे को नहीं मालूम, आप उन्हीं के चैनल पर जाके सवाल कर सकते। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, ख्याल रखिएगा अपना। मा सलामा, अल्लाह हाफिज़।